प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एक महिला डॉक्टर ने मरीज के डिलीवरी के नाम पर परिजनों से लिया 7,000 रुपया घूस। वीडियो हुआ वायरल। मामला जिला महिला चिकित्सालय का। जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक ने कहा, वीडियो का लिया गया है संज्ञान। महिला डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है पत्र, मांगा गया है स्पष्टीकरण, जबकि ओटी स्टाफ पर कार्रवाई पर हुए मौन। गोपालपुर गांव में एक व्यक्ति ने पति व पत्नी को मारी गोली। मामला पिपराइस थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को लिया हिरासत में। घटना में प्रयुक्त तमंचा व कार किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने कहा, घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में करवाया गया है भर्ती। तहरीर मिलने के बाद की जाएगी आगे की कार्यवाही। सूरजकुंड स्थित बाल संरक्षण गृह का जनपद न्यायाधीश व एसपी सिटी ने किया निरीक्षण। कमरों के लिए तलाशी। तलाशी में पाए गए मोबाइल, चार्जर, कड़ा नशीला पदार्थ। जनपद न्यायाधीश ने जांच के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गायों को गुड़ व चना खिलाकर किया प्यार व दुलार। 11 बजे लखनऊ के लिए हुए रवाना। सर्विलांस सेल की टीम ने खोए हुए 16 लाख रुपए के 111 स्मार्टफोन व एक टैबलेट को किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की मौजूदगी में पुलिस लाइन में मोबाइल स्वामियों को उनका मोबाइल किया गया सुपुर्द। खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों ने गोरखपुर सर्विलांस टीम को दिया धन्यवाद। बांसगांव तहसील पर सीडीओ संजय कुमार मीना की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। सीडीओ ने 5 प्राइमरी स्कूलों का भी किया निरीक्षण। कहा, 1 सप्ताह के अंदर सभी मामलों के निस्तारण के दिए गए हैं निर्देश। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन द्वारा रामगढ़ताल स्थित नौका विहार के जेट्टी पर सुरीली शाम के तहत एयरफोर्स म्यूजिकल बैंड ने बांधा शमा। महिलाओं और बच्चों ने जमकर म्यूजिकल बैंड का उठाया लुफ्त। कहा, देशभक्ति गाने के साथ लोगों को जागरूक कर रही है एयरफोर्स म्यूजिकल बैंड। जनपद में एक निजी होटल में भोजपुरी महोत्सव का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, भोजपुरी को अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार से करेंगे मांग। भोजपुरी यूपी व बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है भाषा। संपूर्ण तहसील समाधान दिवस एसडीएम सदर कुलदीप मीना की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। ने कहा, अधिकतर मामले भूमि विवाद व पुलिस विवाद से आए संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। महायोगी बाबा लोकनाथ सेवा समिति द्वारा दुर्गाबाड़ी प्रांगण में त्रिकालदर्शी महायोगी बाबा लोकनाथ का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्मोत्सव। कहा, भक्तों से बाबा कहते थे, जब तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझे स्मरण करो, मैं उसे करूंगा दूर। और जनपद में कल तक बारिश के लिए बना रहेगा मानसून। गरज के साथ होगी छिटपुट बारिश। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी।